प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लिया है, कहा देश के शीर्ष में बैठे अन्य संस्थानों पर भी परिवारवाद हावी है और ये देश के लिए घातक है। आज ये बात दुनिया मानने लगा, यही बात लाल किले के ऊपर से कहा, लाल किले पर से कहा। तो इसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस को बुरा क्यों मानना? हमारे गांव की कहावत है, एक बकरी अगर पागुर करती है, बकरिया करे पागुर तो डाइन को लगता है कि मेरी चिता कर रहा है, बकरिया करे पागुर तो डाइन को लगे कि मेरी चर्चा कर रहा है। तो इनको क्यों डर लग रहा है? इसलिए लग रहा है कांग्रेस ने परिवारवाद का जनक है राजनीति में और भ्रष्टाचार का जनक है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद सबको पॉलिटिकल फायदे के लिए इनके बारे में झूठ परोसा जा रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने तो गांधी का उतना ही सम्मान किया जितना उनके टाइटल लेना था, अंबेडकर को कूड़ेदान में रख दिया, पटेल को किनारे किसी कमरे में रख दिया। मोदी जी ने अंबेडकर जी जो हमारे नायक हैं इस लोकतंत्र के, जिन्होंने संविधान को बनाने में प्रमुख, उनको देश से लेके विदेश तक जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करके अंबेडकर को सम्मान दिया, पटेल को सम्मान दिया, देश में सुभाष बाबू को सम्मान दिया और आज भी कई दर्जन क्रांतिकारी नेता से लेकर के स्वतंत्रता सेनानी के नेताओं के चर्चा की त्याग तपस्या का। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी केवल एक ही फैमिली को महिमा मंडित करने का काम इतिहास के पन्नों में किया, इसीलिए उनको दर्द हो रहा। जो स्वतंत्रता सेनानियों का सुप्रीम सेक्रीफाइस था उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, जो सेल्फ सेंटर्ड केंद्र सरकार है। क्या देश में अंबेडकर का कोई योगदान नहीं है? देश में सुभाष बाबू का, सुभाष चंद्र बोस का कोई योगदान नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद का योगदान नहीं है? क्या भगत सिंह का योगदान नहीं है? आज तो वही कहा उन्होंने, ये कहते हैं बस केवल मेरा। मोदी कहते हैं देश के सारे लोगों ने जो किया उसे याद करना।